Good morning, students. Today we will learn the standard 8, unit number 5, the tiger's claw. आज हम उसकी एक्टिविटी 2 के बारे में पढ़ेंगे. तो उसमें जो स्टोरी दी गई है वो काफी बढ़िया है. तो हम रीड करते हैं क्या दिया गया है. तो I opened my eyes and saw at the door a tiger pushing himself in. तो क्या मैंने मेरी आंख खोली. यहाँ पे जो राइटर है वो अपनी स्टोरी है वो नैरेटर करते हैं कि मैंने मेरी आंख खोली तभी मैंने क्या देखा. तो कि जो टाइगर है वो डोर है उसको पुश करके अंदर आने की कोशिश कर रहा है. इट वॉज अ मडर्ड मूवमेंट फॉर मी. वो मेरे लिए काफ़ी चिंताजनक मूवमेंट थी. नॉट बींग श्योर वेदर द ड्रीम वॉज कंटिन्यू और वेदर आई वॉज अवे. वो मैं श्योर नहीं था. मुझे पता नहीं था कि मैं सपना मैं ख्वाब देख रहा हूँ या फिर मैं जो देख रहा हूँ वो हकीकत है. I at first thought it was my friend, the station master, who was coming in. मुझे पहले ऐसा लगा कि जो मेरा friend है वो जो station master है वो आया हुआ है. But my dream had fully prepared my mind. लेकिन मेरा जो ख्वाब था उसके मेरे mind को prepared तैयार कर दिया. I saw the thing clearly against the sterile sky, tail wagging, growling, and above all his terrible eyes gleaming through the dark. मैंने क्या देखा. तो कि मैंने क्लियरली ये सब देखा कि स्काई में से एक टेल वैगिंग मीन्स पूंछ हिल रही थी, ग्राउलिंग मीन्स टाइगर जो ग्राउल आवाज टाइगर की आवाज आ रही थी, और उसकी जो आईज थी टेरिबल मीन्स भयंकर जो भयंकर आंखें थी वो मैं डार्क अंदर डार्क लेकिन अंधेरे में मुझे साफ दिखाई दे रही थी. आई अंडरस्टूड द फर्टिलाइजर कंपनी वुड हैव टू मैनेज विदाउट माई लेक्चर्स फ्रॉम द फॉलोइंग डे. मुझे समझ में आ गया कि जो फर्टिलाइजर्स कंपनी थी वो जो मेरा लेक्चर्स था उसे मैनेज नहीं कर पाई. द टाइगर हिमसेल्फ वॉज रेदर स्टार्टलेड बाई द नॉइज ऑफ द चेयर एंड स्टूड हेजिटेटिंग. टाइगर ने क्या देखा. तो कि वो मेरी तरफ आया, उसने चेयर जो चेयर मेरे आगे खड़ी थी उसका जो नॉइज था उसका जो नॉइज आ रहा था उससे वो हेजिटेट मीन्स रुक गया. He show me quite clearly in my corner. वो मुझे जो मेरा घर का कॉर्नर था उसमें वो मुझे साफ दिख रहा था. He seemed to be telling himself. वो अपनी जात को क्या कह रहा था. टाइगर अपने आप को क्या कह रहा था. My dinner is there ready, but let me first know what this clattering noise is about. वो कह रहा था कि मुझे पता है कि मेरा जो डिनर है वो मेरे रेडी है तैयार है, लेकिन पहले मैं ये पता लगा लेता हूँ कि जो ये आवाज़ आ रही है वो कहाँ से आ रही है. Somehow, wild animals are less afraid of beings than they are of piece of furniture like chairs and tables. कैसे भी wild animals जो जंगली पशु होते हैं वो घबराते हैं, डरते हैं किससे. तो कि जो पीस ऑफ फर्नीचर लाइक चेयर्स एंड टेबल जो फर्नीचर के पीसेस होते हैं जैसे कि चेयर्स या टेबल्स उससे वो डर जाते हैं. आई हैव सीन सर्कस मैन मैनेजिंग अ बॉल मैनेजेरियल विथ नथिंग मोर देन अ चेयर. हमें पता है हम सर्कस में देखते हैं कि जो उसका मैनेजिंग जो उसका मैनेज करता है वो सारा सर्कस एक टेबल से ही एक चेयर से ही मैनेज कर लेता है. गॉड गिव्स अस सच अ रिकलेक्शन इन ऑर्डर टू सेव अस एट क्रिटिकल मोमेंट. तो भगवान ने मुझे ये क्रिटिकल मोमेंट जो काफ़ी क्रिटिकल मोमेंट था उससे बचाने के लिए वो उसका कलेक्शन मुझे दिया हुआ था. मीन्स मेरे पास जो है वो चेयर थी. And as the tiger stood observing me and watching the chair, तो जो सामने टाइगर खड़ा था वो क्या कर रहा था. तो मुझे भी देख रहा था और चेयर जो चेयर थी उसको भी देख रहा था. I put out my hands and with desperate strength drew the tables towards me. मैंने मेरा हाथ निकाला और जल्दी से जो टेबल था वो मेरी तरफ खींच लिया. And also the stool, और स्टूल को भी मेरी तरफ खींच लिया. I sat with my back to the corner, और मैं मेरी बैग के सहारे कॉर्नर में बैठ गया. The table wedged in nicely with the corner. वो टेबल है वो कॉर्नर में काफ़ी अच्छी तरह से बैठ गया. I sat under it and the stool whirled up another side. वो जो टेबल है उसके नीचे में बैठ गया और जो स्टूल है वो मेरे दूसरी साइड मैंने रख दिया. While I dragged the table down, जब मैं टेबल को डाउन नीचे की तरफ खींच रहा था अ लॉट ऑफ थिंग्स फेल ऑफ इट. तभी उसमें से काफ़ी चीज़ें थी वो गिर गई. अ टेबल लैम्प
उसमें से क्या गिरा, तो एक टेबल एम गिर गया, अ लॉन्ग नाइफ, एक लंबी चप्पू गिर गई, एंड पिंस, और काफी पिंस भी गिर गई। फ्रॉम माई शेल्टर, मेरी झोपड़ी में से, अ पीप्ड एट द टाइगर हु वॉज ऑल्सो वॉचिंग मी विथ इंटरेस्ट। वो जो टाइगर है वो, उसने ये सब देखा जो मुझे काफी इंटरेस्ट से देख रहा था। इविडेंटली ही डिडंट लाइक हिज मील टू बी सो कम्प्लीटली शट आउट ऑफ साइट। उसे उसका जो मील था, उसका जो भोजन था, वो उसकी नजरों से दूर हो जाए उसे अच्छा नहीं लगता था। सो ही काउटलेसली एडवांस अ स्टेप और टू। तो उसने क्या किया, तो कि उसने दो कदम आगे लिए, मेकिंग अ सॉर्ट ऑफ रमलिंग नॉइज इन हिज थ्रॉट व्हिच सीम्स टू शेक अप द लिटिल स्टेशन हाउस। उसने क्या किया, तो कि अपना जो आवाज उसके उसके गले में से एक रमलिंग नॉइज निकाला, और जो सेकअप मीन्स वो लिटिल स्टेशन हाउस, स्टेशन का जो छोटा सा कमरा था उसमें गूंज रहा था। माई एंड वॉज नियरिंग, मुझे मेरा एंड, लेकिन मैं मरने वाला हूँ, ये मुझे काफी क्लियर दिखाई दे रहा था। आई रियली पिटीड द वुमन हुज लॉट इट वॉज टू हैव बिकम माई वाइफ। मुझे काफी दुख हो रहा था कि जो स्त्री है वो मेरी वाइफ बनी हुई। आई हेल्ड अप द चेयर लाइक अ सेल एंड फ्लरिश्ड इट। मैंने चेयर को जकड़े रखा और उसे फ्लरिश दी, उसे आगे घसीटा। एंड द टाइगर हेजिटेटेड, मीन्स उससे क्या हुआ, तो कि टाइगर है वो हेजिटेटेड, उसे थोड़ा सा डर लगने लगा। एंड फेल बैक अ स्टेप और टू, और वो एक या दो कदम पीछे चला गया। नाउ वंस अगेन वी स्पेंड सम टाइम वॉचिंग फॉर इच अदर्स मूवमेंट। और अब क्या हो रहा था, तो फिर से हम एक दूसरे की मूवमेंट से वो एक देख रहे थे। आई हेल्ड माई ब्रेथ एंड वेटेड, मैंने अपनी सांसें रोकी और वेट किया। द टाइगर स्टूड देयर फ्यूरियसली वेविंग इट्स टेल, और सामने टाइगर भी खड़ा था और वो अपनी पूंछ हिला रहा था। विच समटाइम स्ट्रक्स द साइड वॉल्स एंड सेंट फॉर द थॉट। वो कभी कभी उसकी पूंछे वो साइड वॉल में टकराती थी, उससे आवाज आती थी। ही सडनली क्राउच डाउन, उसने सडनली मीन्स एकाएक, क्राउच डाउन मीन्स उसकी वो विथाउट टॉकिंग हिज आई ऑफ मी। मेरे में क्या बता रहा है यहाँ पे, तो कि उसने मुझ पे आईज, उसकी आंखें हटाए बिना उसने क्राउचिंग करना स्टार्ट कर दिया, मीन्स उसके जो पंजे थे वो जमीन पे घिसना चालू कर दिया। एंड स्क्रेच द फ्लोर विथ हिज क्लो, और उसने जो उसका फ्लोर था वो उससे पंजे से घिसना शुरू कर दिया। इज शार्पनिंग देम फॉर मी, वो ऐसा क्यों कर रहा था, तो जो उसके पंजे थे, नाखून थे, उसे साथ मीन्स तीक्ष्ण कर रहा था मेरे लिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपनी जात से कहा, द लिटल सेक हेड ऑलरेडी एक्वायर्ड द स्मॉल ऑफ स्मेल ऑफ अजू। अब उसे ये सब कैसा लग रहा था, तो स्मेल ऑफ अजू मीन्स एक जू हो उसकी स्मेल लग रही थी। इट मेड मी सिक, उसके कारण मैं क्या हुआ, तो कि सिक, बीमार पड़ गया। द टाइगर केप्ट स्क्रैचिंग द फ्लोर विथ हिज 4 पाउंड्स, मीन्स अब उसके आगे के पंजे से टाइगर है वो फ्लोर है वो स्क्रैच कर रहा था। इट वॉज द मोस्ट हिडियस साउंड यू कुड थिंक ऑफ, और ये सबसे भयानक साउंड था, सबसे डरावना साउंड था, तुम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते।